नाराज नहीं हो? मेरी बहन समन के पीछे कब से पड़े हुए हो? मैं चाहूँ ना तो यूं रुकवा दूंगी सब कुछ। हाँ, मैं ही करवाऊंगी तुम्हारी शादी एंड में। तुम मुझसे जरा बना कर ही रखो, और वैसे भी तुम्हारा और सरों का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक मैं काम करती हूँ, अपनी अम्मा को कह देती हूँ और समन को भी कह देती हूँ कि आज के बाद आफाक भाई से आप कोई भी काम मत करवाएगा, क्योंकि अब उन्हें काम करने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और मैं अपनी अम्मा को ये भी कह दूंगी कि बहन और माँ के बीच में दरारें पैदा करेंगे आफाक भाई। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात? मतलब आपसे इंतजार नहीं हो रहा, और होना भी नहीं चाहिए भाई। इंसान को कम से कम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर तो टाइम पे आना चाहिए ना। और मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी फरूख से शादी का फैसला गलत था। मैं जिसे अपना जीवन साथी समझता रहा, उनके साथ होते हुए भी किसी और के खाब देखता रहा। Isn't it true? लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं मजीद तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बनूंगा, हट जाऊंगा तुम दोनों के दरमियान से। इसलिए मैंने तुम्हें आजाद करने का फैसला किया है। यह है तुम्हारी आजादी का परवाना, इसको साथ लेके जाना ताकि लीगल प्रोसीडिंग्स में तुम्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। नाराज हूं, आर यू सीरियस? बुरा नहीं है जिसे ऐसे छोड़ के जाया जा सके। अच्छा चलो आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। खुश है मुझ पर, बहुत शदीद गुस्सा है, होना भी चाहिए। लेकिन ये तो जान लो कि मैंने ऐसा क्यों किया। अरे 3 साल हो गए हैं हमारी शादी को, 3 सालों में हम कहीं नहीं गए, 3 सालों में हम अपने लिए वक्त तक नहीं निकाल पाए। सब कुछ इतना स्टेल होता जा रहा था, इतना फीका होता जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें थोड़ा सा खेल ऐड करते हैं, थोड़ी सी मस्ती ऐड करते हैं। और मस्ती मस्ती में तुमने काफी बैक पैक कर लिया।
नहीं रुआ, मैं सोच रहा था कि इस सिचुएशन में बड़ा अच्छा ड्रामा लिखा जा सकता है, तो कैसा रहेगा ये प्लॉट मेरे अगले ड्रामे के लिए? एक मिनट, तुम्हारे लिए सरप्राइज लिया था मैंने, स्पेशली फॉर टुडे, दिस इज फॉर यू, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। जिंदगी कोई खेल तमाशा या किसी ड्रामे का प्लॉट नहीं है। आप इसे ड्रामा कहते होंगे, लेकिन आज आपके दिल की बात आपकी जबान पर आ ही गई। मुझे कोई भी क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ एक पल नहीं रहना चाहती। बिल्कुल गलत समझोगे तुम, ऑनेस्टली ये ड्रामा था जो खत्म हो गया है, अब हम अपनी जिंदगी भर में गुजारेंगे यार। नहीं गुजारनी है मुझे जिंदगी ऐसे इंसान के साथ जो रिश्तों को ना समझ पाए। मैं आपके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। देखो काफी, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये सिर्फ एक मजाक था और तुम इस सारे मजाक को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? आपके लिए मजाक होगा, लेकिन आपने मुझसे शक किया, इल्जाम लगाया आपने मुझ पर। मुझे नहीं रहना है आपके साथ, अब आपके साथ मेरी मुलाकात उठ गई थी। हटिए मेरे रास्ते से, मूव, आई वांट टू गो। प्लीज काफिया, प्लीज प्लीज, मुझे इस मजाक की बड़ी सजा मत, मैं माफी मांग लेता हूं आपसे, आई अपोलोजाइज, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, मैं जाना चाहती हूँ छोड़ के, तो मर्जी है तुम्हारी, मैं सिर्फ माफी मांग सकता था, वो मांग लिए तुमसे। क्या लगता है आप, ड्रामा सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई नहीं? मैं 3 साल आपके साथ रही हूं, 3 साल, थोड़ी बहुत एक्टिंग तो मैं भी कर सकती हूँ। कैसी लगी आपको मेरी पसंद? तुम ये सब ड्रामा को देखी मैं सब? आई फील लाइक कि मैं तुम्हारा गला तबाह दूँ। Happy anniversary. Happy anniversary to you too. Thank you.
मुझे यकीन है तुम्हारी कल रात बहुत खूबसूरत गुजरेगी। तुमने इतनी सुबह सुबह कैसे फोन कर लिया? मिलना है तुमसे। मिलोगे? क्यों नहीं मिलूंगा? कब मिलना है? अगले घंटे में। एक घंटे में? ठीक है, ठीक है। आई लव यू। मी टू। आते अपने फोन करके दे। अरे वो एक खूबसूरत और खूबरू लड़की का फोन था, मुझसे मिलने के लिए कह रही थी। एक एडवाइस दूं आपको, किसी हॉस्पिटल की कैंटीन में उसको मिलने के लिए बुला लीजिए, डेट मारने के लिए ना, बड़ी सेफ जगह। अरे तुम्हें कैसे पता? बस पता है मुझे। कम ऑन, टेल मी, तुम्हें कैसे पता है? हम तो कभी भी ऐसी जगह पे नहीं मिले। आप रहने दीजिए ना, और जाके मुंह धो लीजिए, क्योंकि अगर उस लड़की ने आपको इस मुंह के साथ देख लिया तो दोबारा आपको कभी मुंह नहीं लगाएगी। अरे भाई, हर किसी में मेरे जैसा हौसला थोड़ी होता है जो पिछले 3 साल तक आपको निभा ले। क्या क्या कहा तुमने पिछले 3 साल से? क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। आप मुंह धो लीजिए, आपकी चाय ठंडी हो रही है। अच्छा यार, उठ जाता पिछले 3 साल से। थैंक्स फॉर टेलिंग मी, पिछले 3 साल से। बस अदोखा, अपनी जाती बीवी से दिल की बात कहने में आपको अधिकारी का सहारा लेना पड़ता। खैर, कर ली दिल की बात, मिल गया सको। अरे कम ऑन यार, ऐसी कोई बात नहीं है। आई ट्रस्ट था कि नंबर निकल जाने की वजह तुम उसको साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हें उसका और इमरान का मिलना और वक्त पे वक्त बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे तुम करोगे नहीं, then you won't be a so-called liberal husband। अरे कम ऑन यार, अगर तुमने इस तरह की बातें करनी है तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताओ मुझे चाहता क्या? चाहता क्या मतलब? मतलब कि मैं तुम्हारे कौन और क्या रखते हैं? You know you are my best friend and I love you। और वो जो घर में बैठी काफिया, अरे वो तो बीवी है मेरी। मतलब कि तुम काफिया से मोहब्बत नहीं करते? ऐसा कब कहा मैंने, करता हूँ। देखो फारूख, मैं तुम्हारे ड्रामे का कोई किरदार नहीं, एक जीती जागती इंसान। और मैंने ये जानना जरूरी है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है, और ये फैसला तुम्हें चल करना होगा। तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या हैसियत है? क्या हैसियत चाहिए तुम्हें? ये काम है कि मैं अपने दिल की सारी बातें तुमसे कर लेता हूं आके। देखो, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं और तुम किसी भी रिश्ते में कैद हो। नो स्ट्रिंग्स शुड बी अटैच्ड। हाँ काफिया, बोलो खैरियत। जी, वो मैंने बताने के लिए फोन किया था कि मैं अम्मा के घर जा रही हूँ, तो
तो शाम तक वापस आ जाऊंगी। अरे तुमने अम्मा की तरफ ही जाना था तो मुझे सुबह बता देती, मैं तुम्हें खुद छोड़ देता वहाँ पे। आप परेशान मत हो, मैंने इमरान को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा, वो मुझे ड्रॉप कर देगा ना अम्मा। क्या अगर हो सके तो आप ऑफिस से निकलते वक्त आप मुझे फोन कर लीजिएगा। अगर मैं तब तक अम्मा क्या हूँ तो फिर आप वहीं पे आ जाइएगा, फिर साथ में घर आ जाएंगे, ठीक है? इमरान, अच्छा ठीक है, मैं शाम को तुम्हें खुद पिक कर लूंगा अम्मा की तरफ से, बल्कि इस बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी मेरी। ओके ठीक है, सी यू, बाय। क्या हुआ, टीवी से डांट तो नहीं पड़ी? तुम्हें रिकॉर्डिंग पे नहीं पहुंचा देर हो रही? सर पानी तुम्हारे अंदर का प्रोड्यूसर चाहिए, आपने बैठो को समझाओ कि मुझे तुम्हारे लिखे पे जुड़ने का मतलब है। और हाँ, सर एक वर्ड से ज्यादा क्यूट है, समझा देना। समझा देना, तुम बस तैयार हो जाओ निकलते हैं। देखो काफिया, तुम खान से परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो हर चीज को समझता है, बस जरा चीजों को बहुत बारीकी से देखता है। देखो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और जब इंसान किसी से इतनी मोहब्बत करता है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस तो रहता ही है ना। अगर बात सिर्फ कॉन्शियस होने की हद तक होती आई वुड हैव बीन ओके विद इट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो किसी ज़हनी तनाव का शिकार होता चला जा रहा है, मेरी हर बात को पकड़ता है, बातों को खरीदने की कोशिश करता है। आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसके जहन में कोई बात बैठ गई है, वो क्या है आई डोंट नो, और जहां तक मुझे पता है वो उसका इजहार नहीं करना चाहता। मेरे खुदा, तुम भी ना उसके साथ रह रहे के ना वैसी हो गई, इतनी मुश्किल बातें करती है तो मेरी समझ में नहीं आ रही। तो भाई जी वे, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था, बातें सुनाने के लिए बुलाया था या कोई काम है? काम है ना? काम है तो फिर चलो आ जाओ। चलो बेटा, बहुत दिनों बाद आई, सब ठीक तो है ना? सब बिल्कुल खैरियत है, बस थोड़ी सी मसूफियत थी इसलिए मैं आ नहीं सकी, बहुत जोश मुझे भूख लगी है। रो लो, आज तो मैंने तुम्हारा पसंद का बनवाया था, कर रही देख रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू। भाई हमारे बरखुदार कैसे हैं? वैसे तो बिल्कुल ठीक है, आजकल जरा से जिक्की हुए हैं, अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रामा निकाल समझते हैं। वैसे बेटा इसमें तो कोई शक नहीं, फारूख एक अच्छा कहानी नवीस है, लेकिन उसका यह मतलब हरगिज थोड़ी ना कि वो हमारी बेटियां पे इतनी भूल जमाए। आ लेने दो, मैं खबर लेता हूं। वैसे बरखुदार है कहां, काफी दिनों से नजर नहीं आई। और आप अगर आप कैसे हैं? ठीक हूँ। आंटी की तबीयत कैसी है? जी ठीक है। वैसे बेटा आप अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा कर, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें अपनी माँ की खिदमत का मौका मुयसर आया, जितनी दुआएं बटोर सकते हो बटोर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, आने वाली जिंदगी में काम आए। समन क्या बात है, तुमने अभी तक एडमिशन नहीं लिया? हाँ एडमिशन ओपन तो हो गया ना, कुछ दिनों में फॉर्म भी सबमिट करवा दूंगी। मुझे ऐसा क्यों लगा है जैसे पढ़ाई में तुम्हारी तवज्जो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है? फिर ऐसी भी तो बात नहीं है, हाँ एक दो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम जरूर है, उसकी ट्यूशन ले ली वो भी ठीक हो जाएगा। ओके
हाँ लाला बाजी घर पे है? अभी नहीं आए साहब, अभी नहीं आए। बाकी सब तो खैरियत है ना? जी साहब सब ठीक है। ठीक है गेट खोलो। वो तो शाम में आफाक के साथ गई हुई है, उसे तो गए हुए काफी देर हो गई है। अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, फिर आ जाऊंगा। बेटा बैठो तो सही, आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं है, बस मुझे वो एक काम याद आ गया है इसलिए मैं चलता हूँ, वापसी पे चक्कर लगाता हुआ जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा हाफिज। फरूख वो अचानक आफाज भाई की अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तुम लोग यहीं पर आ गए थे तो बस मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। इनफैक्ट अगर आप अभी ऑफिस से निकल रहे हैं तो आप ही मुझे रास्ते से ले लीजिए। अच्छा ठीक है मैं आ रहा। आंटी क्या हुआ? आंटी थोड़ा सोच के बैठिए। अम्मा जी क्या हुआ? काफी तो क्या हुआ अम्मा को? और भाई मुझे लगता है तुमको दोबारा हार्ट अटैक हुआ है, तो फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अम्मा जी उठे अम्मा जी मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप इन्हें लेकर। जी आप गाड़ी निकालिए जल्दी करिए। मैं जरा फरूख को बता दूं कि वो भी वहीं आ जाए। प्लीज चलाइए आफाक भाई प्लीज। फोन काफिया को दो। जी ये मैं आफा के घर की पार्किंग में खड़ा हूँ। फरूख आई एम सो सॉरी, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। आगे हम उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अगर हो सके तो प्लीज आप पहुँच जाइए। आहान देखो मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें जैसे ही फुर्सत मिले तो घर आना। नहीं लेकिन हाँ
परेशान मत हो, मैंने इमरान को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा, वो मुझे ड्रॉप कर देगा ना अम्मा। क्या हेलो, तुम जहाँ कहीं भी हो फॉरन सेट पे आ जाओ, मैं नन्ना जा रही हूँ। हुआ क्या है पहले ये तो बताओ मुझे। तुम आ रही हो या फिर मैं जाऊँ? फिर बाद में मत कहना मैं तुम्हारा नुकसान करवा दिया। आई वेटिंग फॉर यू। मेरा ख्याल है इनकी तबीयत जरा बेहतर है तो हमें चलना चाहिए। क्या है ना कि घर पे फरूख भी इंतजार कर रहे होंगे। ये ठीक है आफाक भाई, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी चीज की, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। जी जी, अल्लाह। कम ऑन यार, डायरेक्टर अच्छा है, बस उसके काम करने का तरीका है मिजाज में थोड़ा सा गर्म है। बस अच्छा है, काम करते हैं ना, मैं उसको समझा दूंगा। डोंट टेक इट पर्सनल। अगर इतना अच्छा है तो मुझे निकाल दो, उसको रख लो। ये कैसी बातें करती हो, ना तुम कहीं जा रही हो ना वो कहीं जा रहा है। अच्छा लेट मी हैव अ वर्ड विद हिम। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से ये लास्ट शॉट दो, फिर उसके बाद खाने भी चलते हैं। कम ऑन हरिया। आमिर पिकअप पे कब आया? मालूम आमिर, हम कब तक इस तरह छुप छुप के मिलते रहेंगे? तुम मुझसे शादी कब करो? आमिर, हम कब तक इस तरह छुप छुप के मिलते रहेंगे?
मैं तुम्हारा इंतजार कर करके थक गई हूँ, मुझसे और इंतजार नहीं होता। तुम मुझसे शादी करो। किशो सर बैठा भी ठीक था चेंज करके आती हूँ मेकअप। ओह आई एम सो टायर्ड। फोन क्यों काट ले, बेगम से बात तो कर ले। पता नहीं लोग उनसे शादी क्यों करते हैं जिनसे वो मोहब्बत नहीं करते। तुम्हें किसी चीज का पता नहीं, तुम हर चीज को एक ही मखसूस तरीके से देखने की आदी हो गई हो। बस चीजों का अंदाजा करने में इतनी जल्दी अच्छी नहीं होती। मुझे चीज खर्च में क्या मतलब, मुझे तो भूख लग रही है खाने पे। मुझे भूख नहीं है। अरे कम ऑन यार, तुम घर जाके खा ले, मुझे भूख नहीं। तुम भी ना वैसे मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर। तुम जैसे देर होशियार से बेहतर तो कोई नेम बेवकूफ होगा, कम से कम मुझे खुश तो रखेगा। आइडिया बुरा नहीं, आइडिया बुरा नहीं, लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि तुम्हें तो मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। मुझसे वादा करिए कि आप मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। अच्छा भाई, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, वादा है।